थैंक्स टू यू सर, क्योंकि जहां हम पहले गए थे वहां फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, सो सर लोगों ने हमारे अरेंजमेंट्स करवाए और हमें ये रूम यहां दिलवाया होटल में, और यहां की फैसिलिटी काफी फेबुलस थी और बाकी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा. इट्स ऑल ऑल राइट. सो और थैंक्स टू हिम. सभी मित्रों को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार. आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह का 8 और इस समय मैं हूँ गोपेश्वर में. पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे आप होटल जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं. काफ़ी शानदार होटल है यहाँ पे, देखिए काफ़ी बड़ा होटल है यहाँ पे हम ठहरे हैं. एंड पीछे देख पा रहे हैं आप मॉर्निंग का व्यू. मेरे पीछे अभी पहाड़ों में जो मॉर्निंग की जो धूप है वो चढ़ रही है, जो कि ये जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर लगता है. और नीचे आप देख पा रहे हैं गोपेश्वर का शहर, बहुत ही शानदार शहर. कल शाम को यहाँ पे आए थे क्योंकि हमारा जो श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो अंतर महाविद्यालय जो प्रतियोगिताएँ हैं वो यहाँ पे आयोजित की गई है. तो आज हमारा दूसरा मैच होगा डाक पत्र के साथ. मेरे साथ आए हैं RS हर्षिल ब्लॉगर रमेश सर, और जो बच्चे हैं जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स भी यहाँ पे रुकी है इसी होटल में, और जो बॉयज़ है बॉयज़ यहीं पे रुके हुए हैं. 10 बॉयज़ हैं और 9 गर्ल्स हैं. तो हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की बच्चों के लिए और उन्हें कल शाम को काफ़ी अच्छी तरीके से खाना अभी खिलाया. तो बहुत मज़ा आया हमें कल शाम को. जाना है 9 बजे रिपोर्टिंग के लिए. तो यार मैच की रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स रहेगी वो मैं आपको देते रहूँगा. आप बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में. ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है. तो गाइज ये है डॉर्मेट्री जहाँ पे हमने बॉयज़ को रुकाया है. देखिए मेरे जो बॉयज़ हैं मेरे जो होनहार प्लेयर हैं तैयार हो रहे हैं अभी. ये देखिए कैसा फील हुआ भाई तुमको, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पे. और इधर देखिए जरा ये प्लेयर है, पूरे सुबह 4 बजे से लग गया था ये बॉल से खेलने के लिए, तो उत्सुक हो रहा है. आज लग रहा है कमाल दिखाएगा फील्ड में. तो ये मेरे बॉयज़ हैं वॉलीबॉल के प्लेयर्स, और इधर इनका वॉशरूम है. अब इनका नहाना धोना चल ही रहा है. अभी हम इसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम ग्राउंड के लिए निकलेंगे. तो गाइज इस वक्त धूप लग चुकी है और मेरे साथ है मेरा एक स्टूडेंट कृष्णा. तो मैं कृष्णा से पूछना चाहूँगा कैसा फील हुआ उनको यहाँ पे कल. बताओ कृष्णा कैसा रहा आपका कल का अनुभव, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पे. बड़ा जोर से बोल. बहुत बेहतर सर. कैसा लग रहा है गोपेश्वर में. बहुत बढ़िया. तो गाइस ये है डॉर्मेट्री जहाँ पे हमने गर्ल्स को ठहराया था. यहाँ पे टोटल 3 बेड लगे हुए हैं और काफी चौड़े चौड़े बेड हैं, और एक बेड में 3 लड़कियां बहुत आसानी से आ रही थी और काफी कंफर्टेबल था. तो मैं पूछना चाहूंगा बताओ शिवालिका से कि शिवालिका का अनुभव कि कैसा रहा, कैसी रही इनकी लास्ट नाइट. तो बताओ शिवालिका. ऑल थैंक्स टू यू सर, क्योंकि जहां हम पहले गए थे वहां फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, सो सर लोगों ने हमारे अरेंजमेंट्स करवाए और हमें ये रूम यहां दिलवाया होटल में, और यहां की फैसिलिटी काफी फेबुलस थी और बाकी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा. इट्स ऑल ऑल राइट. सो ऑल थैंक्स टू हिम. ओके थैंक यू शिवालिका. थैंक यू सर. तो अभी तो हमारे बच्चों की जो तैयारियां हैं वो चल ही रही है. तो काफ़ी अच्छा रूम था ये, काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ इन लोगों को, काफ़ी बेहतरीन था. जहां पे पहले हम रुके थे वहां पे तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी. तो इसके बाद तुरंत हम नाश्ता करेंगे और फिर हम निकलेंगे ग्राउंड को. तो भाई जिस वक्त मेरे जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे बेचारे. कल शाम से पानी कल शाम से इनको पानी भी नहीं मिला होटल में, बहुत प्यासे हैं. तो अभी नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, गर्ल से भी आ गई है. तो धीरे धीरे करके सभी बच्चे 8-10 करके नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. इधर है मेरे होनहार गर्ल्स. हाई करो, हाई करो मेरे भाई. ओके तो गाइस मिलते हैं अब इसके बाद ग्राउंड में, देखते हैं मेरे बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं.
फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं स्टेडियम में और हमारा जो मैच है वो भी शुरू हो गया है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं हमारा जो मैच है गर्ल्स का जो मैच है वो शुरू हो गया है। आपके सामने उत्तरकाशी और ऋषिकेश के बीच बालिका वर्ग में खेला जा रहा है, काफी शानदार स्टेडियम है। सभी से मेरा निवेदन है वर्ग में अगस्त मुनि और माल देवता के बीच पहला मैच खेला जा रहा है। बहुत सुंदर मुकाबला आपके सामने और मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी मैच होंगे वहाँ रोटेशन में होंगे। बहुत बेहतरीन सर्विस और उसी प्रकार थोड़ा चुके इनको रोटेशन में नहीं आता ना। इतना ग्राउंड है कहाँ मार रही उधर पीछे रहे और पीछे लाइन पे और पीछे देगी वो नीचे टॉस कर ले पहले टॉस वेल डन गर्ल्स वेल डन शाबाश हाँ इसे का शुरू शाबाश शाबाश सेंटर में सर्विस शाबाश शाबाश सेंटर में सर्विस क्या है यार क्या
अरे इतना ग्राउंड है खाली, कहाँ मारे सर्विस? बीजेपी सुन रहे सरकार वाले इसको चेंज करना था ना यार, इसको चेंज किया। तो फर्स्ट हाफ जो है वो ऋषिकेश गर्ल्स जीत गई है, अब देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। आपके सामने ऋषिकेश और उत्तरकाशी के बीच पहला मैच खेला जा रहा है। पहले मैच में दूसरा सेट उत्तरकाशी 17 पॉइंट और ऋषिकेश 25 पॉइंट। टॉस कर ले, टॉस कर लेना, टॉस टॉस कर ले बॉल। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रोफेसर के हमारे जो टीम प्रभारी है डॉक्टर ललित तिवारी जी और डॉक्टर नागेंद्र गुसाई जी और उत्तरकाशी जैसा हमने बताया था संदीप जी मोटी जी राकेश कुमार पीजी कॉलेज कोटद्वार से हमारे बीच पहुंचे हैं संदीप जी मोटी जी और ये
सभी जो हमारे महानुभाव है अतिथिगण हैं, तो ये उद्घाटन सत्र जब यहाँ पर होगा इन दोनों मुकाबलों के बाद, तो आप सभी मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं एके ब्लॉगर के साथ और फाइनली यहां पे बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला हुआ है दोनों टीम के बीच में, और जिसमें बेहतर तालमेल के कारण ऋषिकेश की टीम को विजय मिली और हमारी टीम ने पूरे संघर्ष किया। और इसी के साथ हम ऋषिकेश की टीम वालों को बधाई देते हैं और अपनी टीम को भी बधाई देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा खेला, और बच्चों हमने बहुत अच्छा खेला, बहुत मज़ेदार खेला। तो आपको रॉकिंग परफॉर्मेंस, हम आगे थोड़ी सी कमियां रही है उसको हम अच्छे से सुधार करेंगे, और चीयर्स करो एक बार भाई, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमारा मैच का आपने पूरा देखा, कहां कहां पे आपको कौन से मोमेंट अच्छे लगे। तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड चैनल एके ब्लॉगर, और साथ में आरएस ब्लॉगर भी, आरएस ब्लॉग ठीक है भाई। हमारे बच्चे इमोशनल भी हो गए, रोने लग गए, बट हार जीत तो लगी रहती है, नेक्स्ट टाइम हम बेटर परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद है हमारे बॉयज का, तो देखते हैं जरा बॉयज कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहे, ठीक है, चलिए सी यू सून।